हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंह गाठिया और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपकी बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर 5 है, जी हाँ पेपर 5 जो है आपका एक समावेशी विद्यालय बनाना, उसकी यूनिट नंबर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 3 हम कर चुके हैं और जो हमारी यूनिट नंबर 4 है, जी हाँ 4th यूनिट हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं और बिल्कुल निबंधात्मक प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों में से ही हमारे लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्नों का निर्माण होना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हमारी यूनिट नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, समावेशन पाठ्यक्रम के अर्थ और विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम। देखिए, समावेशी शिक्षा के पाठ्य चर्चा की हमें विशेषता बतानी है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है और इसी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, अनुदेशन, प्रशिक्षण की क्रियाओं का संपादन कर छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। और शिक्षा द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास को डायग्राम के अंदर प्रस्तुत किया गया कि एक शिक्षा के द्वारा बालक का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, नैतिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक, कलात्मक, भाषा, चारित्रिक, आध्यात्मिक सभी तरह के विकास अफेक्टेड होते हैं। अगर हम मानसिक विकास की बात करें तो मानसिक विकास के अंदर पाठ्यक्रम आते हैं और पाठ्य सहगामी क्रियाएं आती हैं। पाठ्यक्रम के अंदर उसका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष मजबूत होता है और पाठ्य सहगामी से विषय वस्तु आधारित क्रियाएं और शारीरिक क्रियाएं जो कि बाह्य खेल के मैदानों में होती हैं वो चीज़ें डेवलप होती हैं। शिक्षण क्रियाओं को संचालन करने का कार्य शिक्षक पाठ्य वस्तु छात्र द्वारा किया जाता है और शिक्षक छात्र क्रियाओं के आदान प्रदान का मुख्य बिंदु पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम को विकास का साधन माना जाता है। शिक्षक अपनी शिक्षण क्रियाओं के द्वारा कक्षा में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे छात्रों को नए नए अनुभव होते हैं और उनको अनुभव आधारित कार्य स्वयं करके सीखना, सिद्धांत का अनुसरण करना होता है। इस प्रकार शिक्षा शिक्षण क्रियाओं का आधार पाठ्य वस्तु होती है। और पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी के करिकुलम से बना है। यह शब्द लैटिन भाषा के कुरेर से निष्पन्न है। कुरेर शब्द का अर्थ होता है जी दौड़ का मैदान, जहाँ पर छात्र क्रियाओं को करता हुआ स्वयं के गंतव्य स्थल और लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम से तात्पर्य विद्यार्थी के लक्ष्य प्राप्त करने के साधन से, अर्थात किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त देश, काल, परिस्थिति को ध्यान में रखकर अनुदेशन संबंधी अंतर्विषयीय विषयों पर क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से तैयार की गई पाठ्य वस्तु कहलाती है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के 3 तथ्य हैं, ज्ञान, बालक और विद्यालय। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के आयाम के तहत ज्ञान का विस्फोट अधिक तीव्र गति से हो रहा है और दार्शनिक नए उद्देश्यों और लक्ष्यों की ओर चिंतन कर रहे हैं जो कि भविष्य और वर्तमान की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके, भूतकालीन मूल्यों को स्थापित किया जा सके, शिक्षण विधि और मूल्यांकन के तरीकों को प्रभावित कर रही है और इस प्रकार शिक्षा की समग्र व्यवस्था चक्र रूप में घूम रही है क्योंकि मनोवैज्ञानिकों की राय में बालक एक क्लीन स्लेट नए होकर असंख्य क्षमताएं, दक्षताएं युक्त है जिनको वह स्वयं, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण से प्राप्त करता है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है। इतना ही नहीं, विद्यालय जो समाज का लघु रूप प्रकृति अनुसार बदल गए हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और विशेष विद्यालय, एकीकृत विद्यालय तथा समावेशित विद्यालय समाज की आवश्यकता अनुसार भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं जहां विभिन्न योग्यता, रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति, परिवेश, बुद्धि और सृजनात्मक उपलब्धि वाले बालक अपने अपने उद्देश्य लक्ष्यों को प्राप्त कर सभ्य नागरिक के रूप में योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार विद्यालय कॉलेज स्वयं की गत्यात्मक प्रणाली के द्वारा बालक या समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है। पाठ्यक्रम वह साधन है जिस पर छात्र क्रियाओं के साथ आगे बढ़ता हुआ लक्ष्य को प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम के भी 2 स्वरूप होते हैं। एक तो होता है जी संकुचित पाठ्यक्रम जो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित होता है। एक होता है व्यापक पाठ्यक्रम जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों और जीवन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित है पाठ्य वस्तु और पाठ्य सहगामी क्रियाएं और इनके अंदर भी हम देख चुके हैं शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक, अर्थात पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षक स्वयं की योग्यता, ज्ञान और अनुभव के आधार पर छात्रों से विचारों का आदान प्रदान करता है और छात्र नए नए विचार अनुभवों को प्राप्त कर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम द्वारा अनुभव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस हैं कि पाठ्यक्रम में वे समस्त क्रियाएं सम्मिलित है जिससे हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति है तो विद्यालय में उपयोग करते हैं, ये मुनरो ने बोला है। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के समग्र ज्ञान और अनुभवों का सारांश समझना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले शैक्षिक विषयों से नहीं बल्कि पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें छात्र विद्यालयों से प्राप्त करता है।
यानी कि पाठ्यक्रम की अगर हम विशेषताएं देखें तो ये विशेषताएं पाठ्यक्रम में होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण किया जाता है इसके अंदर, बालक के नैतिक विकास में सहायक होता है, प्रजातांत्रिक भावनाओं का इसमें विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है, इसके द्वारा ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास संभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम है देखते हैं, विकलांग बालकों के संदर्भ में पाठ्यक्रम अनुशीलन हेतु निर्देशों का वर्णन कीजिए। देखिए विकलांग बालकों के संदर्भ में देखें तो नियमित समावेशित विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ अध्ययनरत विकलांग बालकों के शिक्षण हेतु पाठ्यक्रम अनुशीलन के लिए निर्देश जो है दिए गए हैं कि आपको किस तरह का पाठ्यक्रम जो है अडॉप्ट करना चाहिए, तो जिनका उपयोग शिक्षण द्वारा कक्षा शिक्षण हेतु ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले दृष्टिबाधित बालकों के लिए देखें तो इनके लिए क्या करना चाहिए, वास्तविकता को स्वीकारने में अक्षम बालक की मदद की जाए, दृष्टिबाधित बालकों का मूल्यांकन लचीला और गतिशील होना चाहिए, उनको यथासंभव सुविधा दी जाए, अधिक से अधिक मौखिक निर्देश दिए जाएं और कक्षा में कॉन्सेप्ट्स को शाब्दिक संकेत दिए जाएं कॉन्सेप्ट्स की व्याख्या हेतु और अधिगम उपकरण बालक को दिए जाने चाहिए। कक्षा प्रबंध इस प्रकार का हो कि बालक अधिगम उपकरण का प्रयोग कर सके, बहुसंवेदीय उपागम द्वारा आधारित जो है अधिगम अनुभव दिए जाएं, ठोस अनुभव उन्हें प्रदान किए जाएं यानी लाइव चीज़ें उन्हें दी जाएं और अनुदेशनात्मक सामग्री का अनुशीलन शाब्दिक निर्देश के रूप में होने चाहिए। दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य बालकों से शाब्दिक अनुभवों के आदान प्रदान में सहभागिता होनी चाहिए और सामाजिक अध्ययन हेतु जब मानचित्र का प्रयोग किया जाए तो मानचित्र उभरे हुए बिंदु से युक्त दृष्टिबाधित बालक उन्हें छूकर उन्हें पढ़ सके। श्रवण बाधित के लिए देखें तो श्रवण बाधित बालकों के लिए प्रत्यक्षीकरण दिया जाना चाहिए, मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर उन्हें दिए जाने चाहिए, अभिव्यक्ति दृश्य संकेत के द्वारा प्रदान की जाए ताकि वो प्रकृति का ज्ञान उन्हें वास्तविक रूप से दिया जाना चाहिए, जो भी सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की जांच है ये सब उन्हें दी जानी चाहिए और भाषा कौशलों के ज्ञान हेतु समग्र विधि का प्रयोग होना चाहिए। शिक्षक को अभिनय हावभाव भंगिमाओं का प्रयोग करना चाहिए, मूल प्रत्ययों को समझाने में अभिनव और अनुकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए, श्रवण बाधित बालकों को पठन लेखक कौशलों का अभ्यास कराया जाना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर कविता के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि हो सके। अगर हम बात करें नेक्स्ट मंदबुद्धि बालकों के लिए तो शिक्षक को कॉन्सेप्ट्स को सिखाने हेतु आवश्यकता के अनुसार सामग्री और उपकरण दिए जाने चाहिए, गतिविधि जिसके द्वारा स्मृति कौशलों का विकास हो सके करवानी चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए जिसमें हाथ आंख ये समन्वय हो इनका, मतलब आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मंदबुद्धि बालकों हेतु अनुदेशनात्मक सामग्री लचीली होनी चाहिए, मंदबुद्धि बालकों में शिक्षा योग्य और प्रशिक्षण योग्य का मूल्यांकन लचीलापन और गतिशील होना चाहिए, मंदबुद्धि बालकों के क्षमता अनुसार शैक्षिक गतिविधियों से पूर्ण सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाए और इन बालकों को विद्यालय समस्त सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए और मंदबुद्धि बालकों के शिक्षण में अधिकतर सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। कक्षा का वातावरण इस प्रकार का हो कि मंदबुद्धि बालकों की योग्यता का विकास अधिकतम हो सके और मंदबुद्धि बालकों को प्रत्ययों का ज्ञान खेल के माध्यम से दिया जाना चाहिए। अस्थि विकलांगता के लिए अस्थि विकलांग बालक में कृत्रिम अंगों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, कृत्रिम अंगों के साथ बालक को कक्षा में पहुंचने में अतिरिक्त समय लगता है, शिक्षक द्वारा कक्षा का प्रबंधन इस प्रकार से करना चाहिए कि बालक व्हीलचेयर के साथ कक्षा में प्रवेश कर सके, अस्थि विकलांग बालकों द्वारा प्रयुक्त उपकरण को समय समय पर बदलते रहना चाहिए, कक्षा के शिक्षण समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि बालक कक्षा में समायोजित फर्नीचर के साथ आरामदायक रूप से शैक्षिक कौशलों को सीख रहा है, अध्यापक को कक्षा में इस प्रकार की गतिविधि खेल चित्रकारी आदि का आयोजन करना चाहिए जिससे अस्थि विकलांग बालक की सहभागिता बनी रह सके, विशेष क्रियाकलाप सुनिश्चित किए जाएँ, सामान्य बालकों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि अस्थि विकलांग बालकों की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में अनुशीलन हेतु निर्देश, अधिगम अक्षम बालक को यथासंभव सभी सुविधाएँ दी जानी चाहिए और अधिगम अक्षम बालक की शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित की जाए, अधिगम अक्षम बालकों का भी मूल्यांकन लचीला होना चाहिए, प्रत्येक कार्य में सहभागिता हेतु प्रोत्साहन के लिए पुरस्कृत किया जाए और अधिगम अक्षम बालक के शिक्षण में सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, अधिगम अक्षम बालकों में पढ़ने लिखने और संख्या कौशलों के विकास हेतु अभ्यास पर बल दिया जाए, अभ्यास इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रत्येक अक्षर आकार रंग रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वाक्य शब्द अनुच्छेद पर का चयन कर कठिनता स्तर की जाँच कर पुनरावृत्ति बार बार कराई जाए, वर्ण अक्षर जो एक दूसरे से समानता रखते हैं उनको एक साथ ना पढ़ाया जाए, इंद्रियों का प्रशिक्षण दिया जाए, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए, बालक को शब्दों वाक्यों और संख्याओं को पहचानने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
अब बात आती है जी विशिष्ट विद्यालय के अर्थ और संसाधन कक्ष की व्याख्या कीजिए। देखिए इसका अर्थ तो क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्य स्कूलों में पढ़ाने से कोई लाभ नहीं मिलता, इसलिए मुख्यधारा में उनको मुख्यधारा के स्कूलों की विशिष्ट कक्षाएं और अतिरिक्त कक्षा भी उन्हें बहुत लाभ नहीं पहुँचा पाती। ऐसी स्थिति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उनके शिक्षण अधिगम के लिए उन्हें विशिष्ट विद्यालय के अलावा कोई वैकल्पिक शैक्षिक उपाय हमारे पास नहीं है, इसलिए विशिष्ट विद्यालय ऐसे विद्यालय होते हैं जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है और ये विद्यालय खासतौर पर विकलांग बच्चों के लिए बने होते हैं। इनमें विशिष्ट शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के अलावा विकलांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों के अनुसार शैक्षिक संसाधन भी उपलब्ध होते हैं। ये विद्यालय विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों को व्यक्तिक शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराते हैं और विकलांग बच्चों की सहायता के लिए चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक आदि भी उपलब्ध होते हैं। अमेरिका के प्रोबेशनरी स्कूल, मुरे स्कूल और माउंट फ्लोर स्कूल शिकागो इसका उदाहरण है और भारत में भी इस तरह के सैकड़ों स्कूल हैं। विशिष्ट विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाओं का होना जरूरी है? सबसे पहले तो शारीरिक उपचार कक्ष होना चाहिए, सर्व सुविधा युक्त व्यायामशाला होनी चाहिए, एक समावेशी स्कूल बनाना, सॉरी माफ़ कीजिएगा ये हमारी पेपर का नाम है, थर्ड जो है रोगी कार्यशाला, चौथा बाधा रहित माहौल, उदाहरणतः रैंप, एलिवेटर और स्वस्थ सुविधा युक्त इमारत होनी चाहिए, विशिष्ट वर्ग कक्ष होना चाहिए, उपयुक्त फर्नीचर, शिक्षण अधिगम सामग्री, विश्राम कक्ष, तरणताल, खेल और मनोरंजन के साधन, संवेदी कक्ष, आवासीय सुविधा के लिए छात्रावास, विशिष्ट पाठ्यचर्चा और पाठ्यक्रम और विकलांग मित्रवत पुस्तकालय होने चाहिए, सूचना संप्रेषण पुस्तकालय, सुविधा युक्त शैक्षिक तकनीकी कक्ष भी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें संसाधन कक्ष की, देखिए समन्वित शिक्षा की परिधि में आने वाले विद्यालयों में संसाधन कक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। एक संसाधन कक्ष वैसी विशिष्ट कक्षा है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पूरी स्कूल अवधि के दौरान आधा से अधिक समय गुजारते हों और संसाधन शिक्षक संसाधन कक्ष के प्रभारी होते हैं। इसके अलावा वहीं प्रत्यक्षीकृत प्रशिक्षण, भाषाई विकास, गत्यात्मक परीक्षण, सामाजिक और संवेगात्मक विकास और कौशल विकास के लिए व्यक्तिक अनुदेशन सामग्रियाँ भी होती है। संसाधन कक्ष का आकार थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे एक कक्ष में एक शिक्षक कम से कम 20 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था होती है और एक सत्र में या तो व्यक्तिक तौर पर एक विद्यार्थी या 5 विद्यार्थियों के एक समूह को शिक्षण अधिगम का प्रशिक्षण दिया जाता है। सत्र की अवधि सामान्यतः 20 से 45 मिनट की होती है और नियमित वर्ग कक्षा तुलना में एक सामान्य संसाधन कक्ष को ज़्यादा आरामदायक होना चाहिए और संसाधन कक्ष का क्षेत्रफल करीब 150 वर्ग फुट होना चाहिए। उसमें प्रकाश और वायु के आवागमन की उच्च व्यवस्था, उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। कार्य की बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त उपचारी सहायता उपलब्ध कराना, उपचारी शिक्षण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में शिक्षण अधिगम में जब भी परेशानी होती है तो कुशल शिक्षक उन्हें संसाधन कक्ष में लाकर उपचारी शिक्षण सुविधा मुहैया कराते हैं और कुछ मूलभूत उपकरणों का संचयन करता है करना। संसाधन शिक्षण और सामान्य शिक्षकों की सहायता से उन्हें सहायता पहुंचाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अन्य उपयुक्त गतिविधियों का संचालन करना, शिक्षक प्रशिक्षण, माता पिता और अभिभावकों को परामर्श देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समन्वयपूर्ण प्रशिक्षण देना, संसाधन शिक्षक के जरिए विशिष्ट शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना, संसाधन और सामान्य शिक्षकों की समस्याओं का संयुक्त रूप से सुलझाना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। जितने भी अधिगम अक्षम बालक हैं उनके लिए शैक्षिक कार्यक्रम जो है उनकी विवेचना की जानी है। तो सबसे पहले देखिए इनके लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम या कुछ प्रमुख जो भी प्रावधान किए गए उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो दिवसीय विद्यालय, ये वैसे विद्यालय हैं जहाँ अधिगम अक्षमता ग्रस्त बच्चों को विशिष्ट शिक्षा दी जाती है और विशेष विशिष्ट पाठ्यचर्चा के जरिए बच्चों को शिक्षण अधिगम सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। सामान्य विद्यालय में विशिष्ट कक्षाएं, अधिगम अक्षम बालकों के शिक्षण अधिगम के लिए सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट कक्षाएं होना जरूरी है। यहाँ पर विशिष्ट अधिगम अक्षम बालकों को विशिष्ट रूप से विशेष अनुदेशन देते हैं और साथ ही नियमित शिक्षक पाठ्य विषयों के संबंध में बालकों की सहायता करते हैं। समन्वित शिक्षा भी एक हमारा है कि समन्वित शिक्षा के अंतर्गत अधिगम अक्षम बालकों को मुख्य धारा में विद्यालयों को समन्वित किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण रणनीतियाँ, तो अधिगम अक्षमताग्रस्त बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण से काफ़ी लाभ मिलता है। उपचारात्मक शिक्षण के कई आयाम हैं, मनोवैज्ञानिकों ने इसे 7 कसौटियों में वर्गीकृत किया है। प्रक्रिया प्रशिक्षण, बहुसंवेदी आयाम, संरचना और उद्दीपन घटाव, औषधीय प्रयोग, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, व्यवहार संशोधन और प्रत्यक्ष अनुदर्शन। देखिए अधिगम अक्षम बालकों के शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन कैसे करें, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले तो बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन करें, औपचारिक और अनौपचारिक बैठकें करें, बच्चों की
बच्चों के कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी प्रबंध है वो ठीक ढंग से होने चाहिए। प्रोत्साहन के लिए पर्याप्त विकल्प हों। आत्मनिर्भरता के लिए छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करना चाहिए और विद्यार्थियों के कर्तव्य नियंत्रण और उत्तरदायित्वों को बढ़ाना चाहिए। कक्षाओं में निम्नलिखित बातों को प्रयुक्त किया जाए। कामों का विश्लेषण किया जाए। बालकों को अधिगम हेतु एक क्रम का अनुसरण करवाया जाए। उदासीन बालकों को मध्य में बिठाया जाए। नियोजित कार्यक्रम को नया किया जाए। साथियों के द्वारा पढ़ाने का उपयोग करें। अधिगम असमर्थी बालकों को अध्यापन का कार्य करने का दिया जाए और पढ़ाई गए पाठ्यक्रम के अनुरूप गृह कार्य दिया जाए। बालकों के माता पिता और संरक्षकों के साथ घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। अधिगम अक्षमताग्रस्त बालकों की शिक्षा में संसाधन शिक्षक की भूमिका। देखिए, प्रत्यक्ष अनुदेशन पद्धति से शिक्षण अधिगम करना, स्कूली वातावरण को अधिगम अक्षमताग्रस्त बालकों के अनुरूप मित्रवत बनाना, भारी टूटने योग्य और खतरनाक सामानों को बच्चों की पहुँच से दूर रखना, वर्ग कक्ष की ध्वनि प्रदूषण मुक्त रखना, अनुदेशन कार्यक्रम का निर्माण करना, रूटीन आधारित पाठ्यचर्या का निर्माण करना, विशिष्ट शिक्षण तकनीकों से बच्चों को पढ़ाना, शैक्षिक विषय वस्तु और अन्य सामग्रियों को सामान्य और उत्साहवर्धक बनाना और रचनात्मक कार्य करते वक्त विभिन्न रंगों का प्रयोग करना और बच्चों को बहुसंवेदी आयाम के जरिए शिक्षित करना। अगला हमारा प्रश्न है, असमर्थता के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए और असमर्थता के प्रमुख कारण कौन से हैं। देखिए, यह बहुत बार पिछली यूनिट्स में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम अच्छे से एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं कि असमर्थता के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, असमर्थता के मुख्य प्रकार श्रवण बाधिता, चाक्षुष यानी अंधे जो होते हैं, वाणी बाधिता बोलने में दिक्कत होती है, अस्थि बाधिता चलने फिरने में, गामक क्रियाओं में, बौद्धिक बाधिता अधिगम असमर्थता हम देख चुके हैं, और प्रमस्तिष्क या पक्षाघात जो होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है, बहुविध असमर्थता और आत्मविमोह। देखिए, श्रवण बाधिता हम सब जानते हैं, इसमें आप जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। दृष्टि बाधिता हम जानते हैं। वाणी बाधिता में भाषा और वाणी की समस्या होती है, यानी जो है मंद वाणी दोष होता है या वाक अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, यानी भाषा व्यवस्थित नहीं होती है, या बोलने में धारा प्रवाह नहीं होता यानी अटक कर बोलते हैं। अस्थि बाधिता में अस्थि बाधिता का संबंध शरीर के विशिष्ट अंग की अस्थियों का समान रूप से कार्य न कर पाना है, इसमें जोड़ों और मांसपेशियों का सामान्य रूप से कार्य वो नहीं कर पाती हैं। बौद्धिक बाधिता की बात करें तो इसमें बौद्धिक योग्यता सामान्य स्तर से निम्न स्तर की होती है। अधिगम असमर्थता की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह की दिक्कतें होती हैं जिससे बच्चा पढ़ने लिखने तर्क करने में पीछे रह जाता है। बहुबाध्यता की बात करें, इसमें दो या दो से ज़्यादा बाध्यताएँ होती हैं। अब बात करते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की। तो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात विकसित हो रहे मस्तिष्क की एक विशेष दशा होती है जिसका संबंध गत्यात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करने, मुद्रा बनाने और क्रियाओं में सामंजस्य और संतुलन बनाने में होती है, यानी बॉडी का कंट्रोल नहीं होता है, यानी दिमाग का बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता है। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म ऐसे बालक होते हैं जिनका व्यवहार विच्छेदित होता है, यानी वो उनका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है, जिद्दी होते हैं, मनमानी होते हैं, अनिष्टकारी होते हैं। इनके अगर प्रमुख कारण देखें तो बहुत सारे, एक तो व्यक्तिक कारण हो सकते हैं, ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नताएं होना तो स्वाभाविक है। शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक पक्ष में भिन्नताओं को सभी जीवदारियों में विशिष्ट विशेषताओं के रूप में देखा जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में सबके लिए सबके साथ शिक्षा का आंदोलन चल पड़ा है और बालकों को इष्टतम विकास को दृष्टि रखते हुए बालकों में व्यक्तिक अंतरों को जानना भी आवश्यक हो गया है और व्यक्तिक भिन्नताओं के जानने और व्यवहार में उनके प्रभाव को समझने में मनोवैज्ञानिकों की रुचि प्रारंभ से ही हमेशा से रही है, ठीक है जी। तो इसके लिए कारण क्या होते हैं? सिंपल सी बात, एक तो होते हैं वंशानुक्रम संबंधी कारक, यानी कि जन्मजात जो होते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ गुणों की तुलनात्मक श्रेष्ठता और निष्कृष्टता निर्धारण उसके वंशानुक्रम का पर्याप्त उसमें योगदान रहता है। जन्म के समय शिशु में दिखाई देने वाले गुण मुख्य रूप से वंश परंपरा पर आधारित होते हैं। माता पिता से कुछ गुण चल कर आते हैं, ठीक है, जैसे ऑटिज्म, ADHD, नुनान सिंड्रोम या डिसलेक्सिया, ये बहुत सारे गुणसूत्रों की भूमिका इनमें होती है। पर्यावरण संबंधी कारक भी होते हैं। जन्म पूर्व अवस्था से ही वातावरण संबंधी कारक बालक के स्वास्थ्य और विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें गर्भाधान काल में माँ की शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है, प्रतिबल, शिशु के जन्म के समय, जन्म के पश्चात की स्थिति और कारक, जन्म का प्रकार, जन्म के समय का आघात कोई, और प्रारंभिक 5 वर्षों में बालक का जो विकास होता है, स्वास्थ्य या संक्रामक रोग, तो ये सब चीज़ें आती हैं। सामाजिक पक्ष से विलग्नता एवं विभेदन, चाहे वह लिंग संबंधी हो, भाषा, धर्म, संस्कृति या किस तरह का भी हो, निर्धनता, अल्पसंख्यक अंकन, पूर्वाग्रह, रूढ़ियाँ, ये सब भी शैक्षिक असमर्थता के लिए जिम्मेवार होती हैं। अनेक कारकों में अंतःक्रिया, देखिए कोई एक कारक किसी एक बाधिता का कारण हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो असक्तता को जन्म देने और उसका पोषण करने में प्राय एक से अधिक कारकों का भी योगदान हो सकता है, किसी भी तरह के कारक ये हो सकते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दैहिक बाधिता में के असमर्थता प्रकारों को स्पष्ट करो। दैहिक बाधिता,
श्रवण असमर्थता की पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए दैहिक बाधिता के प्रकार क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के दैहिक बाधिता या श्रवण संबंधी, दृष्टि संबंधी, अस्थि संबंधी, वाणी समर्थता, बहुबाधिता। हमें देखना है श्रवण असमर्थता, सुनने में जिनको कठिनाई होती है। अगर इनके अर्थ और प्रकार की हम बात करें तो श्रवण इंद्रिय में दोष और क्षति के कारण हुई बाधिता श्रवण असमर्थता उत्पन्न करती है। यह क्षति कान की किसी भी भाग बाहरी, मध्य या भीतरी किसी भी भाग में हो सकती है। यदि चोट आदि के कारण कान के पर्दे में छेद हो जाए या श्रवण स्नायु में ऐसी कोई विकृति हो जाए, परिणाम स्वरूप बालक की श्रवण शक्ति कम हो जाती है या संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। ठीक है जी, श्रवण असमर्थता के प्रकारों की अगर बात करें तो कुछ तो बच्चे होते हैं जो संपूर्ण ही बाधित होते हैं, यानी बहरापन जिसे कहते हैं, यानी उन्हें वो कुछ भी नहीं सुन सकते। लेकिन आंशिक बाधिता होते हैं जो आंशिक रूप से विद्यमान, यानी ऊंचा सुनाई देना जिसको कहते हैं। ठीक है जी, और अगर हम मात्रात्मक भिन्नता के आधार पर श्रवण असमर्थता को समझें तो न्यून श्रवण बाधिता वो होती है जिसमें कोई भी बालक 35 से 54 डेसिबल तक सुन सकता हो, यानी ध्वनि का प्रसार जो होता है देखिए वो 1 से 130 डेसिबल तक का होता है, और सामान्य व्यक्ति 65 डेसिबल का ध्वनि स्तर होता है सामान्य व्यक्ति का। लेकिन ये व्यक्ति 54 डेसिबल की ध्वनि को नहीं सुन सकते, अर्थात अत्यंत धीमे स्वर में बोलने पर यह व्यक्ति उसे सुनने में असमर्थ होते हैं, इसे बोलते हैं न्यून बाधिता। मध्य बाधिता, इस बाधिता की श्रेणी का जो व्यक्ति होता है वो 55 से 69 डेसिबल की क्षति रखते हैं, यानी कि सामान्य श्रवण स्तर की ध्वनि 65 डेसिबल से थोड़ा ऊंचा बोलने पर ही ये व्यक्ति उसे सुन पाने में समर्थ होते हैं। तीव्र श्रवण की बात करें तो इनका श्रवण क्षय होता है 70 से 89 डेसिबल। ठीक है, यानी कि अगर इनसे 70 से 89 से ऊपर की ध्वनि क्रिएट करेंगे तो ये सुनेंगे। गंभीर दुर्बोध श्रवण बाधित होते हैं, इनकी चरम सीमा होती है 90 या इससे अधिक। ठीक है, तो इनमें जो है बहुत ऊंचा बोलने पर ही इनको सुनाई देता है। बेसिकली भाषा, अनुभव, गतिविधियों की समस्याओं और केंद्रीय श्रवण दोषों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विशेषज्ञ श्रवण बाधिता को 4 भागों में बांटते हैं। आचरण श्रवण बाधिता, संवेदनिक, मनोजनित और केंद्रीय श्रवण दोष। श्रवण बाधिता की पहचान के लिए डॉक्टरी परीक्षण होते हैं, विकासात्मक मापनियाँ होती है, एकल केस अध्ययन होता है, मनोस्नायुविक परीक्षण होता है, व्यवहार का निरीक्षण करके भी इसको जो फील किया जा सकता है। ठीक है, तो माता पिता और शिक्षक निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस बाधिता की पहचान कर सकते हैं कि श्रवण बाधित बालक सिर को एक तरफ घुमाकर बात को सुनने का प्रयत्न करता है, वह अनुदेशों का अनुकरण करने में असमर्थ होता है। कक्षा कक्ष में वह प्राय शिक्षक की पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति के लिए कहता है, बार बार की मतलब रिपीट करने के लिए बोलता है, और ये वक्ता के होठों की ओर अधिक ध्यान देता है। वाद विवाद करने में संकोच करता है, वाणी संबंधी दोष और भाषा का उपयुक्त विकास नहीं होता इसमें। उसकी तरफ ध्यान न देने पर बालक का अधीर हो जाना और बच्चे के कान में दर्द और कान का बहना, अपनी बात कहने में वह सीमित शब्दावली का प्रयोग करता है, दूसरों की बात सुनने और वार्तालाप करते हुए वह प्राय क्या का प्रश्न करता है और बातचीत में बार बार बाधा उत्पन्न करता है। श्रवण बाधित बालक की प्रमुख समस्याओं को समझाइए। श्रवण बाधित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताएं क्या हैं? देखिए शैक्षिक समस्याएं हैं कि सुनने में अक्षम बालकों के लिए सिंपल सी बात है कि आजकल जो शिक्षण है, जो भी भाषा विकास है या जो लेखन कार्य है, हर चीज़ में निर्देश जो दिए जाते हैं वो मतलब श्रवण करके उसका अनुपालन करना होता है, तो सिंपल सी बात है उसको परेशानियां आएंगी। व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं आती है, समाज में उसका अंत्यक्रिया करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो हीनता, निराशा और कुंठा का शिकार हो जाता है। ठीक है, उससे अलगाव और अस्वीकृति की भावना आ जाती है। संवेगात्मक समस्याओं की बात करें तो वो बोलकर, कहकर, सुनकर मतलब अपने संवेगों को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, कम सुनने से उसमें मतलब कुंठित भावना आ जाती है। बौद्धिक समस्याएं भी रहती हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, श्रवण बाधित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की अगर हम बात करें तो इसके लिए उनके लिए सबसे पहले तो संप्रेषण तकनीकें लानी चाहिए। श्रवण बाधित कम सुनने और सुन न सकने के कारण कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को सीखने में कठिनाई का अनुभव करता है, इसलिए उनके लिए ओष्ठ पठन विधि आनी चाहिए। ओष्ठ पठन प्रविधि के द्वारा इन बालकों को होठों के हिलने की गति के आधार पर वर्णों और शब्दों को समझने की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और बालक का ध्यान विखंडित हो जाता है क्योंकि इसे होठों की गति और बोले गए वाक्य दोनों को समझना होता है। इस विधि की कमियां आई है। ठीक है, और एक श्रवण बाधित बालक सामान्य गति के बोलने पर वाक्यों को केवल 25% ही समझ सकता है।
कुछ वर्णों के उच्चारण के लिए होठों की हिलने की गति भी लगभग समान होती है, तो इसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाता। चिन्ह भाषा होती है, अलग अलग वर्णों शब्दों के चिन्ह होते हैं। संकेत भाषा होती है, अलग अलग संकेत किए जाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। स्पर्श विधि होती है, छूकर स्पर्श के द्वारा बात समझाया जाना, गतिविधि संबंधी। और प्रवर्धक का प्रयोग, प्रवर्धक यानी कि ध्वनि प्रवर्धक, यानी कान के अंदर मशीन वगैरह लगा के, ठीक है जी। शिक्षण तकनीक की बात करें तो उपयुक्त सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पाठ्य सामग्री के शिक्षण के मध्य प्रश्न पूछना चाहिए। संक्षिप्त विवरण नोट करने का प्रावधान होना चाहिए। एक विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षक का स्थानापन्न किया जाए, यानी विशिष्ट जो प्रशिक्षित शिक्षक है वो उन्हें पढ़ाने के लिए आए। श्रवण बाधित बालकों के अधिगम का निरीक्षण करना, ताकि वह देखा जा सके कि वो लिखते और बोलते हैं कि नहीं है। कंप्यूटरों का उपयोग किया जाना चाहिए। रोचेस्टर तकनीक विज्ञान संस्थान की बधिर राष्ट्रीय तकनीकी संस्था ने कुछ विशिष्ट तकनीकी कार्यक्रम विकसित किए, उन्हें भी जो है हमें भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार भी इस प्रकार से बनाना चाहिए। अब बेसिकली शैक्षिक सुविधाओं के लिए क्या क्या प्रावधान होना चाहिए। श्रवण सहायक उपकरणों को उपलब्ध करवाना चाहिए, श्रवण प्रशिक्षण होना चाहिए, बोलने पढ़ने का प्रशिक्षण होना चाहिए, कक्षाओं का समुचित प्रबंधन होना चाहिए, विद्यालय का अनुज्ञात्मक वातावरण होना चाहिए, माता पिता की अभिवृत्ति और सहयोग होना चाहिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, शिक्षक की सकारात्मक अभिवृत्ति इनके लिए होनी चाहिए, और श्रवण सहायक उपकरणों की को यूज़ करना चाहिए, जिसमें टेलीफोन, टाइपराइटर, कंप्यूटर, वीडियो टेप, फिल्में, टेलीवीजन पर उनको अनुशीर्षक कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं। समूह श्रवण सहायक उपकरण जिसका एक ही प्रवर्धक होता है, और श्रवण सहायक बंदी और ध्वनि कान, या फिर शिक्षक द्वारा कक्षा में ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग, और पृथक कक्षाएं भी इनके लिए लगाई जा सकती हैं। विशिष्ट विद्यालय हो सकते हैं। और शिक्षा की मुख्य धारा और श्रवण असमर्थी बालक जो होते हैं, देखिए शिक्षा का उद्देश्य बालक का विकास करना है और समाज का एक विविध अंग बनाना नहीं है उसे। यह वह अवधारणा है जो मुख्य धारा में शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा जाता है कि इन बालकों के लिए सांकेतिक भाषा का विकास किया जाए, और साथ ही अर्थापन के स्वरूप भी शिक्षा दी जाए, यानी कि अर्थापन यानी कि उनको कमाई का साधन क्रिएट हो सके कल को, ठीक है। मौखिक अर्थापन का महत्व दिया जाए और वाणी का प्रशिक्षण दिया जाए। निसंदेह शिक्षक और माता पिता का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीखने में बहु इंद्रिय आयाम का उपयोग करना लाभकारी सिद्ध होता है, और प्रथम भाषा को सीखने और बोलने के लिए उसके प्रयोग को महत्व दिया जाए। इन बालकों को पढ़ने लिखने और सीखने की स्वतंत्रता को भी महत्व दिया जाए, ठीक है जी। समावेशी शिक्षा की और एक कदम, श्रवण असमर्थी बालक अथवा यूं कहिए कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए जो किए गए प्रयास हैं उसमें समावेशी शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्टेप है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दृष्टिबाधित बालकों का क्या अर्थ है और इनकी परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। देखिए VI वाले जो चिल्ड्रन होते हैं, यानी वे होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की बात नहीं है। किसी भी रीज़न से या तो जो अपनी पूर्ण दृष्टि क्षमता खो देते हैं, या अंधेपन के रोग से कुछ प्रभावित होते हैं, यानी कि या तो आंशिक रूप से हो सकते हैं या फिर पूर्णतः हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं हैं कि मध्यम रूप से जो दृष्टिबाधित होते हैं उनकी देखने की क्षमता 20/70 होती है, यानी कि वो 70 फीट दूर से किसी वस्तु को देख सकते हैं, और ऐसे दृष्टिबाधित केवल 20 फीट पर रखी हुई वस्तु को देखने योग्य होते हैं, उसके नज़दीक नहीं, सॉरी उसके दूर नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें अलग अलग ये पहचान है दृष्टिबाधितों की, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 1987 में दृष्टिबाधितों की परिभाषा दी है कि या तो वो जो अपनी पूर्ण दृष्टि खो चुके हैं, या दृष्टिबाधित जो 6/60 या 20/20 से अधिक न हो, और चश्मे के प्रयोग से आंख उत्तम हो जाए, स्नेल चार्ट के परीक्षण से ये डिसाइड किया जाता है, या जिनका दृष्टि क्षेत्र सीमित हो और 20 डिग्री का कोण बनता हो और कम से या फिर 20 डिग्री से कम बनता हो, तो इन परिभाषाओं की दृष्टि के आधार पर या तो पूर्ण रूप से बाधित होते हैं या आंशिक रूप से यानी निम्न बाधित होते हैं, ठीक है। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो इन बालकों की विशेषताओं को 3 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है जी। एक तो भाषा का विकास, एक मानसिक योग्यता, और एक सामाजिक और कार्य समायोजन, ठीक है। भाषा का विकास यानी दृष्टिबाधिता में भाषा का दोष नहीं होता है, क्योंकि यह सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। बोलना और सुनना भाषा के मुख्य कौशल माने जाते हैं, इसलिए ये भाषा सीखने के लिए अधिक उत्साहित रहते हैं। भाषा के माध्यम से अपनी बात माता पिता और साथियों से कह सकते हैं, यानी कि इनमें संप्रेषण की अच्छी क्षमता होती है। मानसिक योग्यता की बात करें, दृष्टिबाधित बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से भी सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छा उनमें सिस्टम होता है। दृष्टिबाधित बालक दूरी को बोधगम्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे दूर देख सकते हैं और इन्हें दूरी का प्रत्यय विकसित नहीं होता है,
ठीक है, कि दूरी क्या चीज़ होती है, दूरी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये वो नहीं समझ पाते हैं। तारे चंद्रमा आदि का बोध नहीं कर पाते क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने देखी नहीं है, तो सौंदर्य अनुभूति जो है उसका जो है विकास उनमें नहीं हो पाता है। ठीक है, सामाजिक तथा कार्य समायोजन की बात करें तो दृष्टिबाधितों की व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती हैं। यदि इन बालकों में असमायोजन की समस्या सामाजिक कारकों से होती है तो वह बालक अपने समायोजन को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक दोष या बोलने के दोष में क्या अर्थ है, बोलने वाक दोष और बोलने में दोष का क्या अर्थ है। देखिए सिंपल सी बात है, वाक दोष या बोलने के दोष में बालक वे हैं जो हकलाकर बोलते हैं या नाक के बल बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, कर्कश स्वर में बोलते हैं, तुतलाकर या हकलाकर बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इनकी अगर परिभाषाओं की बात करें तो अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये स्वर में माधुर्य नहीं होते हैं, संवाद संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव होता है, इनको तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं शब्दों को, बोलते समय अक्षरों को जोड़ना घटाना बदलना, बोलते बोलते मौन हो जाना, लय और क्रम का अभाव, तो ये सारी चीज़ें, अकलाहट, श्रवण दोष, नाक से बोलना, कर्कशता, फुसफुसाहट के साथ बोलना, स्पष्ट न सुनाई देने वाला बोलना, बोलने वाले की वाणी सरलता से समझ में नहीं आती, इनको दोषपूर्ण वाणी को सुनकर प्रसन्नता नहीं होती है, अरुचिकर मुख्य संचालन, उतार चढ़ाव और दबाव की कमी। वाक विकरांग्रस्त बच्चों की पहचान की बात करें तो बच्चों कक्षा में बच्चों की आवाज़ को सुनकर पता लगाया जा सकता है, उच्चारण दोष और अकलाने वाले बच्चों को अलग करना, पहचान कर सही परामर्श देना, पीड़ित बच्चे के माता पिता से बात करना और बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता की पहचान करना, स्वभाव और सीखने के तरीकों का अध्ययन करना, अवलोकन सूची का प्रयोग करना, उच्चारण दोष की जानकारी के लिए अलग अलग प्रशिक्षण होते हैं जैसे गोल्डमैन क्रिप्टो टेस्ट ऑफ आर्टिकुलेशन, फोटो आर्टिकुलेशन टेस्ट और टेम्पलिन डार्ले टेस्ट ऑफ आर्टिकुलेशन, आवाज़ विकृति प्रशिक्षण, फोनोलॉजिकल प्रोसेस एनालिसिस, असेसमेंट ऑफ फोनोलॉजिकल प्रोसेस। नाक में बोलने वाले, तेज बोलने वाले, धीमे या तेज बोलने वाले बच्चों की पहचान लें उनको, और गलत शब्दों को बोलने वालों को पहचाने, कम सुनने और देर से बोलने वाले बालक, भय और सदमे के कारण गलत उच्चारण करने वालों को भी उनकी कक्षा में पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अस्सी बाधित बालकों के लिए, देखिए बहुत सिंपल सिंपल से हैं, इनके बारे में जितना आप लिखना चाहें उतना आप लिख सकते हैं। अस्सी बाधित बालक जो होते हैं, ऐसे बालक जो अपनी अस्थियां और अस्थियों को जोड़ शरीर के विभिन्न मांसपेशियां उनके सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती, उनका कार्य करने का परिणाम इतना क्षीण होता है कि उन्हें कृत्रिम हाथ या पैर की आवश्यकता पड़ती है, और इनके साथ साथ उनके शिक्षण कक्ष को भी उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार आकृति देनी पड़ती है। अस्थिबाधित उन बालकों को कहते हैं जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया और क्षतिग्रस्त हो गई हो, जिससे वह सामान्य बालकों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो गए हो। ऐसे बालकों की मांसपेशियों और जोड़ों और अस्थियों में किसी कारण दोष आ जाता है। ठीक है, अस्थिबाधित बालकों को शारीरिक रूप से अपंग भी कहते हैं, साहित्य में इन्हें कई शब्दों से संबोधित किया गया है। शारीरिक रूप से बाधित बालकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, अस्थिबाधित बालक और स्वास्थ्य बाधित बालक। ठीक है जी, अगर हम बात करें इसके लिए तो अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन अगर इनकी पहचान की बात करें तो बेसिकली निम्नलिखित व्यवहार अनुसूची का उपयोग हम कर सकते हैं इनकी पहचान के लिए। पहला तो शारीरिक अंगों पर इनका समुचित नियंत्रण नहीं होगा, मांसपेशियों में सहयोग का अभाव होगा, विसाखियों की सहायता से चलेंगे, शारीरिक कार्यों और अभ्यास में दर्द और कठिनाई का अनुभव करेंगे, वस्तुओं को उठाने और रखने में कठिनाई होगी, लड़खड़ाकर चलेंगे, चलते चलते गिर जाएंगे, शारीरिक अंगों की गतिविधि में नियंत्रण और सहयोग का अभाव होगा, अंगों का असामान्य होना या दोष आ जाना, उनमें जोड़ों में दर्द, चलने में कठिनाई का अनुभव होना, अधिक नहीं चल सकना, नकली अंगों की सहायता लेना और चलने उठने और बैठने में कठिनाई का अनुभव करना। अस्थिबाधितता के कारण की अगर हम बात करें, देखिए अस्थिबाधित बालकों में कई कारण दिखाई देते हैं, परंतु उनकी बाधिता का कारण अलग अलग हो सकता है, जन्मजात अनियमितता के कारण, दुर्घटना के कारण या बीमारी के कारण, तो ये अपने आप जो है आप कर सकते हैं। तो चलिए ये यूनिट हमारी कंप्लीट होती है, नेक्स्ट यूनिट हम देखते हैं अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।